Hello everyone, I am Swati Sahai, guest faculty CBPS Ranchi University, and you are listening to Radio Kanchi 90.4 FM Hum Sabka Radio. And in this audio lecture, I am going to talk about some vocabulary taken from the Hindu newspaper. So let's start. The first one is plausible, PLAUSIBLE, plausible. It means credible. Hindi meaning hota hai iska viswasniya. Synonyms is reasonable, believable. Okay, antonyms is unlikely, unlikely, unlikely. The next word is transgression, trans, transgression, transgression. It means ulanghan, offense. We all know offense, the word offense, offense, offense. Synonyms is crime, sin, S-I-N, sin. Antonyms is obedience, O-B-E-D-I-E-N-C-E, obedience. Okay. So the next one is thrill, T-H-R-I-L-L, thrill. Kabhi na kabhi hum apne life mein ye word bahut baar use kar chuke honge ya karte hain. To थ्रिल इज मीन्स रोमांचित करना. कई बार होता है जो हम लोग कहते हैं कि कुछ थ्रिलिंग एक्टिविटी करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कहते हैं ना कुछ रोमांचित करते, कुछ तूफानी करते, लाइक कुछ थ्रिलिंग एक्साइटिंग जिसे कह सकते हैं, समथिंग डैट एक्साइटस. सिनोनिम्स इज स्टिमुलेट, STIMULAT, स्टिमुलेट, अराउज, ARO USE, अराउज. Antonyms is bore, B-O-R-E, bore. The next one is confiscate, C-O-N-F-I-S-C-A-T-E, confiscate. It means japt karna, impound, I-M-P-O-U-N-D, impound. Synonyms is seize, S-E-I-Z-E, seize. Antonyms is return. ऑब्वियस है, जब हम किसी चीज़ को सीज़ कर लेते हैं इट मीन्स हम उसे अपने कैप्चर में ले लेते हैं, और रिटर्न कर देते हैं जब इट मीन्स कि हम उसे अपने कैप्चर से फ्री कर लेते हैं. वी ऑल नो सीज़, तो हमने कई बार पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें जो हम बहुत पहले से जानते हैं सीज़ के बारे में. वी ऑल नो उसे हम बहुत आसानी से किसी भी एग्जाम्पल के रेलिवेंट मिक्स करके जान सकते हैं कि कैसे बहुत सारे होते हैं ना, किसी शॉप को सीज़ कर दिया जाता है, किसी जगह को सीज़ कर दिया जाता है. डैट सीज़ वी आर टॉकिंग अबाउट, डैट इज़ कॉल्ड कन्फिस्केट. इट मीन्स टू इम्पाउंड समथिंग, IMPOUND, इम्पाउंड. यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब आप सिनोनिम सीज़ पढ़ रहे हो इस वोकैब में, सपोज मैंने आपको वर्ड पढ़ाया है कन्फिस्केट, फाइन, इसका सिनोनिम्स मैंने आपको बता दिया कि सीज़ है. मैं कई बार पहले भी अपने ऑडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ और मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि द वर्ड सीज वेरी कॉमन, वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट. अब क्या है कि हमने देखा कि कन्फिस्केट का मतलब होता है सीज करना, तो हमें ये याद रखना है कि जो वर्ड मैंने आपको बताया कन्फिस्केट, इम्पाउंड, जो लगे कि हाँ ये एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ ये वर्ड मैंने वहाँ पे देखा था, तो वो वर्ड उससे रेलिवेंट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आपको सब कुछ ध्यान में रखना होगा. सीज कॉमन है तो हम उस कॉमन वर्ड को के सिनोनिम्स को जरूर याद करेंगे. ओके, द नेक्स्ट वन इज स्लैश, SLASH, स्लैश. इट मीन्स कम करना, टू रिड्यूस समथिंग, कट करना, ड्रॉप कर देना. एंटोनिम्स इज रेज. नेक्स्ट वन इज डिप्राइव्ड. सभी को पता होगा ये डिप्राइव मीन्स किसी चीज़ से वंचित कर देना, डिसएडवांटेज जिसे कहते हैं. बहुत लोगों को होता है ना डिप्राइव हो जाते, लाइक बहुत लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है लाइफ में, अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं वो लोग. जो सुखी संपन्न होते हैं उन्हें प्रिविलेज कहते हैं, वी ऑल नो. और क्या होता है कि जो लोग डिप्राइव्ड हो जाते हैं, जो जिन्हें वो कहते हैं डिसएडवांटेज, मतलब कि एडवांटेज नहीं मिलता लाइफ का, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती जिसका एडवांटेज उठा के अच्छे से मतलब कम मेहनत में वो कुछ काम कर सके, तो ऐसे लोग अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं. प्रिविलेज्ड लोग होते हैं जो ऑलरेडी जिनके पास सब कुछ होता है, तो जो डिप्राइव्ड है दैट इज़ वंचित, और डिसएडवांटेज्ड है इसका सिनोनिम्स, अंडर प्रिविलेज्ड है इसका सिनोनिम्स, पॉवर्टी भी है, POVERTY, पॉवर्टी. Antonyms is
फॉर्चुनेट कहते हैं ना, चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ, बहुत फॉर्चुनेट है वो, तो इसका ऑपोजिट वही होता है। द नेक्स्ट वन इज़ स्लम्प, SLUMP, स्लम्प। आई एम प्रिटी श्योर आपने कोई मार्केट की न्यूज़ पढ़ी होगी, आप सेंसेक्स के बारे में पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे स्लम्प वर्ड का यूज़ होता है, जिसका मतलब है गिरावट आना। द वर्ड ऑल्सो इंडिकेट डिक्लाइन। सिनोनिम्स इज डिटोरिएट, DETERIORATE, डिटोरिएट। डीजेनरेट। एंटोनिम्स इज इम्प्रूव। गिरावट आना किसी भी चीज़ में हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैंने इसे शेयर मार्केट से रेलिवेंट किया है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ शेयर मार्केट से रिलेटेड ही होगा। लाइफ में भी किसी चीज़ में गिरावट आती है, या किसी भी सिचुएशन में कोई भी चीज़ गिरावट आती है तो डिटोरिएट करना होता है वो। द नेक्स्ट वन इज लेथल, LETHAL, लेथल। लेथल मीन्स घातक, इट मीन्स फैटल टू, FATL, फैटल। सिनोनिम्स इज डेडली, मॉर्टल, MORTL, मॉर्टल। एंटोनिम्स इज हार्मलेस, HARMLESS, हार्मलेस। ओके, आई एम प्रिटी श्योर आपने ये सारे वर्ड अभी तक सुने होंगे, इसमें आपको रिविज़न करा रही हूँ, और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, प्लीज़ आप इन सारे वर्ड्स को अपने माइंड में रखें। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज किंडल, KINDLE, किंडल। प्रज्वलित करना, इसका मतलब होता है टू इनलाइटन समथिंग, लाइट। सिनोनिम्स इज इग्नाइट, IGNITE, इग्नाइट। सेट फायर टू, एंड एंटोनिम्स इज डाउस, DOUSE, डाउस। प्रज्वलित करना मतलब लाइट करना, मतलब कुछ भी कर सकते हो, ज्ञान के प्रकाश भी भर सकते हो, लाइट भी कर सकते हो, लाइक दैट। द नेक्स्ट वन इज टेंटेटिव, हम बहुत सारे लोग पढ़ते हैं टेंटेटिव, अंतिम जो कहते हैं ना, प्रोविजनल, अनकन्फर्म्ड, मतलब लाइक टेंटेटिव, आप जब आप एग्ज़ाम देते हो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम के पहले एक टेंटेटिव कैलेंडर आता है, फाइन। तो उस टेंटेटिव कैलेंडर का क्या मतलब होता है? अनतिम उसका मतलब होता है, अंतिम नहीं, अनतिम। इट मीन्स प्रोविजनल होता है वो, अनकन्फर्म्ड होता है, अनसेटल्ड होता है, इट मीन्स वो एक्सपेक्टेड डेट होता है, उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, लाइक दैट। एंटोनिम्स इज डेफिनेट, उसमें कुछ डेफिनेट नहीं होता, वो टेंटेटिव होता है कि हाँ इस ये एक अप्रॉक्सीमेट डेट दिया होता है, उसमें डेट पर्टिकुलर लिखा होता है, लेकिन वो अगर आप उसे सही मायने में समझें तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो डेट उसमें दिया है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए हमें कई बार देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम के डेट में चेंजेस होते हैं, एग्ज़ाम डेट आ जाते हैं उसके बाद भी चेंजेस होते रहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्काउज, SCOURGE, स्काउज। फाइन, इट मीन्स अभिशाप, वी ऑल नो अभिशाप, श्राप, वेरी कॉमन। स्काउज, SCOURGE, स्काउज। एप्लीकेशन, इसका मीनिंग होता है ALLICTION, एप्लीकेशन। सिनोनिम्स इज बेन, BANEBEN, कर्स, CURSE, कर्स। एंटोनिम्स इज ब्लैशिंग, ऑब्वियस ए कर्स, बेन, वी ऑल नो, कई बार हमने पार्टिसिपेट किया है डिबेट में, स्कूल टाइम में, वहाँ पे साइंस के बारे में पूछा जाता था कि आपको एक टॉपिक दिया जाता था लाइक कि साइंस बून है या बेन है, लाइक दैट। तो सिनोनिम्स जो है आपका बेन है वो कर्स है, एंटोनिम्स इज ब्लैसिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज अनवेवरिंग, UNWAVERING, अनवेवरिंग। इट मीन्स स्टडी, स्थिर, STEADY, स्टडी। कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लाइक दैट। क्या होता है उसका मतलब? कि जो धीरे धीरे एवं लगातार चलते हैं वो हमेशा विजयी होते हैं, जैसे कि हमारे से PPS के सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो लाइक दैट कि स्टडी स्थिर होते हैं लेकिन फिर भी विजयी होते हैं ना, कंटिन्यूस। हमें पढ़ाई भी कंटिन्यूस करनी चाहिए, ठीक है, थोड़े थोड़े ही करें, तो ज़्यादा ही करें लेकिन डेली करें। सिनोनिम्स इज फिक्स्ड, रिजोल्यूट, RESOLUT, रिजोल्यूट। एंटोनिम्स इज वेवरिंग, WAVERING, वेवरिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज बटरस, BUTTRES, बटरस। इट मीन्स समर्थन देना, बी स्ट्रेंथन भी कहते हैं इसे, यहाँ पे बी
STRENGTHEN. We strengthen. Synonyms is reinforce, REIN, REIN, FORCE, reinforce, fortify, FORTIFY, fortify. Antonyms is weaken, WEAKN, weaken. The next word is thrive, THRIVE, thrive. It is thrive, THRIVE, thrive. Means phalna phulna. Fine, flourish, FLOURISH, flourish. We all know the word flourish. Thrive means phalna phulna. Synonyms is prosper, burgeon, BURGEON, burgeon. Antonyms is fail, collapse. The next word is nimble, NIMBLE, nimble. It means furtila, agile bhi jise kehte hain, AGILE, agile. Synonyms is lithe, LITH, lithe. And antonyms is stiff, STIFF, stiff. The next word is drab, DRAB, drab. It means berang, colorless. Synonyms is gray, dull. Antonyms is bright. So with that note, I would like to end my discussion here. We will meet soon in the next audio lecture. Till the time we meet next, happy learning.